देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। राजस्थान में भी 7 जुलाई से 17 जुलाई तक कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन और साइकिल यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के हल्ला बोल अभियान के तहत राजधानी जयपुर में पैदल मार्च निकालकर मोदी सरकार को जमकर कोसा। बीजेपी को महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं। बीजेपी के अपने मुद्दे तय है, तानाशाही चल रही है, जुल्म हो रहा है, जनता की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। 15 लाख लेकर आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, वैक्सीन के पैसे मांग लिए, 3-3 दरें निर्धारित कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 35,000 करोड़ के लिए, करोड़ का बजट जो आपने वैक्सीन के लिए निर्धारित किया है उसका हिसाब दो, लोगों में आक्रोश हुआ, वैक्सीन थी नहीं, इनको फ्री घोषणा इसलिए करनी पड़ी कि वैक्सीन ही नहीं है। 7 से 17 जुलाई तक चले कांग्रेस के इस अभियान को कांग्रेस ने पूरी तरह से सफल बताया है। सतत प्रक्रिया है, 29 तारीख को हम इसका पूरा रोड मैप देंगे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के इस मोदी सरकार की नाकामियां, इस मोदी सरकार की महंगाई बढ़ाने की नीतियां, इस मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियां, इस मोदी सरकार की जो विदेश नीति फैल हुई है उसकी सब चीजों की चर्चा करेंगे। जो झूठे जुमले वादे उन्होंने किए थे वो अब जनता के सामने आ चुके हैं। उधर भाजपा ने कांग्रेस के इस अभियान को विफल करार देते हुए कहा कि महंगाई कांग्रेस सरकार के वक्त जारी पेट्रोलियम बॉन्ड की वजह से बढ़ी है। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, और कांग्रेस के दांत हाथी की तरह दिखाने के और खाने के और हैं। वो सिर्फ इतना ही कर दें कि यहाँ पर जो वैट है उसको रिलैक्स कर दें तो राजस्थान की जनता को हिंदुस्तान में सर्वाधिक कम पैसे पे डीजल और पेट्रोल मिलेगा, पहले उसका जवाब दे दें। बाकी चीजें तो क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय का भी आंकड़ा निकालेंगे तो 112% की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई और 160% की डीजल पे हुई थी, तो ये फिगर तो उस समय के भी हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी और केवल एनडीए के सरकार के टाइम महंगाई है। बहरहाल महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आने वाले दिनों में कांग्रेस इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर ले जाने की मुहिम भी छेड़ेगी। इसके लिए पार्टी संगठन ने साफ संकेत भी दे दिए हैं, जिसका प्रमुख एजेंडा महंगाई और वैक्सीन की किल्लत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जनते, में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई हर आदमी की कमर तोड़ रही है। राजनीतिक दलों के लिए सियासी मुद्दा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए, एक आम जन के लिए, उसके घर का मुद्दा है। किसी की दाल पतली हो रही है तो किसी की थाली से एक सब्जी गायब हो रही है। महंगाई का असर हर कहीं पड़ता है। सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि फ्यूल प्राइस जो है, अब से पहले भी यही हुआ है। तो महंगाई को लेकर के अगर बात हम सियासी रंगत की करें तो कांग्रेस ने ऑल इंडिया स्तर पर 7 से 17 जुलाई तक हल्ला बोल कार्यक्रम किया राजस्थान सहित अन्य राज्यों में, और सरकार से जवाब मांगा कि महंगाई कम कीजिए। अब ये क्या मायने हो सकते हैं? क्या वास्तव में सरकारें इस तरह के आंदोलनों से अब झुक सकती हैं, या आमजन के दर्द को इस माध्यम से भी समझ सकती हैं? लेकिन ये तय है कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन चलिए, क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन, या फिर एक राजनीतिक महंगाई है या जनता की महंगाई है, ये भी एक विचार करने वाली बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जस गोयल साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, आशीष चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। महंगाई हमेशा से हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, और राजनीतिक दल बहुत स्मार्ट होते हैं। जब प्रभाव किसी पे पड़ता है तो उसी को आंदोलन का या अपना ये कहें कि राजनीति का एक जरिया मुद्दा बनाया जाता है। अगर उसका असर नहीं पड़ रहा तो कोई नहीं पूछता है। जंगल में आग लग रही है, पॉल्यूशन का असर पड़ रहा है, किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है ये। क्यों उससे कोई प्रभावित जो हो रहे हैं वो ऐसी छाप नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन अगर महंगाई का असर किसी की थाली पे पड़ रहा है तो वो मुद्दा तुरंत कैप्चर करना है। बेरोजगारों की भीड़ कहीं देख रहे थे, वो राजनीति का मुद्दा है क्योंकि इससे तुरंत गेन कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स नहीं चाहिए, अभी तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि एटीएम कल्चर है, फटाफट कार्ड डालिए पैसे निकलेंगे। वैसे ही मुद्दों का असर है कि तुरंत उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। तो महंगाई एक इश्यू जो है, आज से नहीं, मैं वर्षों से यही चला रहा है, राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा रहा है। लेकिन वास्तव में अब वो राजनीति जो आंदोलन की तह में जाकर के सरकारें हिलती थी या कहते हैं कि विचार करती थी, वो नजरिया हो सकता है महंगाई पर? नहीं, जब योगेंद्र जी महंगाई, जैसा आपने कहा, सर्वव्यापी सार्वभौमिक मुद्दा है सब जगह, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सरकारें बदली भी है, जैसे प्याज के ऊपर वाजपेयी जी की सरकार को संकट हो गया था, चीजों का होता है। अगर चुनाव हो रहे हो तो महंगाई का मुद्दा होता है। अब जैसे बंगाल में या दूसरी जगह राज्यों में चुनाव हो रहे थे और केंद्र ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने जल्दबाजी में ये नोटिस निकाल दिया, ये सर्कुलर निकाल दिया कि ब्याज दर घटाई गई है, सुबह एकदम ध्यान आया ये क्या किया उन्होंने, रोल बैक किया, वहां असर पड़ जाता है। पर जब चुनाव ही नहीं है, कोई सरकार के ऊपर कोई संकट ही नहीं आने वाला है, कितना ही किसी भी तरह से हल्ला बोल किया जाए वो इतना मायने नहीं रखता। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस ने हल्ला किया है 7 तारीख से 17 जुलाई तक का 10 दिन का जो इन्होंने हल्ला बोल किया, इसमें मुसीबत तो ये रही कि कांग्रेस में, जैसे राजस्थान है या पंजाब है, दो राज्य ले लीजिए, उन दो राज्यों में जो कांग्रेस आपस में भिड़ रही है उनका तो हल्ला बोल ज्यादा हो रहा है, और जो अपना हल्ला बोल वो सिर्फ एक सीनिक काम करते हैं। एक पॉपुलर लीडर भीड़ में जाके बैठ गया, गले में तख्ती लटका ली, या गैस का सिलेंडर का पाइप का फोटो लटका लिया, या वो लटका लिया, कुछ भी कर लिया, या टांगे भी चले गए, साइकिल पे चले गए, सिंबॉलिक प्रदर्शन होते हैं मीडिया के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह कि सरकारों पे भी असर नहीं पड़ रहा। एक वक्त था जब इस तरह के आंदोलन होते थे तो राजनीतिक दल एक चेहरे की तरह होते थे, लेकिन जनता पीछे होती थी क्योंकि उनका मुद्दा है। अब मुद्दे तो हैं, पर सवाल ये है, इनको कैश करना नहीं आता, इनको किसी भी तरह से लाभ लेना नहीं आता। ये स्टेट्स पर छोड़ दिया कांग्रेस के हाईकमांड ने कि आप अपने अपने राज्यों में जो है विरोध जताइए। विरोध कैसे जताइए? विरोध तो कहाँ जताए, पहले खुद ही असंतुष्ट बैठे हैं सारे के सारे पंजाब और राजस्थान और हरियाणा में। जब यही असंतुष्ट बैठे हैं, यहां का राज्य ले लें, बाकी राज्यों में तो सरकारें इनकी नहीं है। तो एक तरह का सिंबॉलिक प्रदर्शन होता है मीडिया के लिए, पॉपुलरिटी गेन करने के लिए। इससे सरकार पे असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि चुनाव सिर पर नहीं होते, तो किसी तरह के चुनाव सिर पर हो तो फर्क पड़ता है। आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है, कोशिश भी कर रही है, किया है, आपके नेताओं ने 23 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देश भर में तय किए हैं जिसमें सारे दिग्गज जाएंगे। लेकिन अभी गोयल साहब जो कह रहे हैं कि मुद्दे जो हो गए, पहले जनता पीछे होती थी,
राजनीतिक दल फ्रंट में होते थे, जनता उनके साथ होती थी और सामने वाले को एहसास होता था कि केवल ये जो भीड़ दिख रही है ये राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये जनता की भीड़ भी है, उसका असर होता था। आज उस तरह के आंदोलन नहीं दिखाई दे रहे हैं और सरकारों पर असर तब पड़ता है कि जब सामने चुनाव हो। तो आंदोलन जो आप लोगों ने किया, आपने विपक्ष की भूमिका की, लेकिन एक मैसेज ये जाता है कि रस्म अदायगी की है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं, ये जो 10 दिन का जो कार्यक्रम था, इससे पहले भी चाहे पूरे देश के अंदर जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किए। राजस्थान के 400 कांग्रेस के जो ब्लॉक हैं, 200 विधानसभा हैं, तमाम जगह पे 25,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जब हम कोरोना की महामारी के अंदर जिंदगी से लड़ रहे थे, ऑक्सीजन दवा तमाम चीजों की जरूरत थी, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को ऑक्सीजन पे भी जीएसटी के साथ में टैक्स का कहर दे रहे थे, लेकिन जहां पे क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही थी, नेगेटिव में चली गई थी, हमको पता है कि पिछले साल प्रति लीटर 13 रुपए और 10 रुपए क्रमशः डीजल और पेट्रोल पे उन्होंने अप्रत्याशित वृद्धि की थी और किसी ने भी उस चीज को उठाया और ना उठाया, लेकिन सरकारों पे गया या नहीं गया। लेकिन गोयल साहब ने जिस बात का जिक्र किया, मुझे थोड़ी सी उससे निराशा हुई। निश्चित रूप से आप एक चैनल पे बैठ के किसी भी राजनीतिक दल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर प्रदेश नहीं देश की जनता लोकतंत्र में मीडिया को भी चौथे स्तंभ के तौर पर देखती है। लोकतंत्र के अंदर मीडिया ये क्यों नहीं कहता कि सरकारें निरंकुश हो गई, लोकतंत्र नाम सिंबोलिक रह गया है, तानाशाही का रवैया हो गया है। मुझे लगता है कि पहले जब 2 सांसद होते थे, 5 सांसद होते थे, मुझे 73 का वो वाक्य भी याद है, जब 7 पैसे पेट्रोल पे बढ़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठ के संसद की तरफ रुख किया था, तो पूरे देश ने देखा था, तब भी कोई जनता नहीं थी। आज मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें इस देश की जनता जहां पे अपने जीवन के अंदर, मैं एक मीडिया की रिपोर्ट बताऊंगा, पूरे देश के अंदर उन्होंने उस रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना से जितने जो लोग गए हैं उससे ज्यादा जो मौतें हैं वो भूखमरी के कारण भी हुई है। आगे हम सबने देखा कि किस प्रकार से बेरोजगारी है वो 46 साल के अधिकतम पे है, किस प्रकार से जिन लोगों की नौकरियां बची है उनका वेतन है वो कटौती के साथ। आरसी चौधरी, थोड़ा अपन शॉर्ट में रहेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आप लोगों को मैं दोबारा भी जोड़ना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा कि जब तक महंगाई को रोल बैक नहीं, यानी कि महंगाई जिन वजह से है सरकार रोल बैक नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन रखेंगे कि बस 7 से 17 तक का ये आप लोगों ने 10 दिन का 11 दिन का वक्त गुजारा, ये बस केवल यही बस सीमित रहेगा। योगेंद्र जी, ये जो 7 से 10 दिन का नहीं था, ये जो दिन के जो आप जिक्र कर रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि जब तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, भीड़ से हमें बचना है, हमें आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार के बीमारी के महामारी के खतरे से बचाना है, इसलिए जो हमारे तमाम अग्रिम संगठन, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे आईटी सेल हो, हर जो पार्टी के जो संगठन है उन्होंने हर दिन एक लंबी श्रृंखला के तौर पर किया ताकि कहीं पे मीडिया में स्थान मिले और केंद्र की सरकार तक ये संदेश पहुंचे, निरंकुश सरकार के पास में, तानाशाह सरकार के पास में, जिसे आपके रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स ये कहते हैं कि जिन देश के अंदर तानाशाही है, तानाशाह है, जिस देश के अंदर मिलिट्री का शासन है, जिस देश के अंदर राजशाही है, जिस प्रकार की निरंकुशता मीडिया के ऊपर है, तो मैं ये नहीं कह रहा, जिस हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिस कटघरे में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खड़ा किया है, वैसी स्थिति जनता के मुद्दों पे है। जनता के मुद्दों पे जब एक पत्थर लिखता है, जब घंटी की आवाज है, क्या वो लोकतंत्र के लिए आवाज नहीं है? क्या आपके जो दर्शक हैं ये आवाज नहीं है? जो आज आप बहस कर रहे हैं इस मुद्दे पे, आपकी प्राथमिकता पे ये मुद्दा है, क्या ये पार्टी ने क्या इस वजह से ये जनता को चुपता हुआ ये मुद्दा है, जनता की ये मांग है या जनता की ये परेशानी है, इसलिए ये मुद्दा है? आरसी चौधरी जी, आ रहा हूं आपके पास में, जनता का मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जनता त्रस्त है महंगाई से। आप पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, चाहे आप बैठे हो, चाहे हमारे गर्ग साहब बैठे हों, भाजपा नेता, हम सब लोग प्रभावित हैं। बेशक पार्टी की वकालत करना एक अलग बात है, लेकिन अंदर से महसूस है कि जब पैसे निकलते हैं कि फ्यूल 100 का सोचा नहीं होगा कि 100 रुपए भी फ्यूल होगा, लेकिन 100 क्रॉस करके जब हम खरीदते हैं और उसके बाद में पता लगता है कि जो लोग की 20 रुपए थी वो 40 रुपए हो रही है, नींबू जो है वो कितने के थे आज कितने के चले गए, फ्रूट्स कितने के जा रहे हैं, तेल की क्या स्थिति है, तो एहसास होता है। इनको पता नहीं, लेकिन घर में जरूर महसूस होता है कि ओ बाप रे, इतनी रेट बढ़ गई तो ये कुछ तो हमें कंप्रोमाइज करना होगा। ये घर घर की कहानी है ये, क्योंकि एक आम भाषा में लोग कहते हैं कि दाल थोड़ी पतली हो रही है, और जिन लोगों की स्थिति है कि एवरीडे दाल कंज्यूम करते हैं, उन लोगों की थाली से एक सब्जी गायब हो रही है। ये महंगाई का एक असर है,
इसे खारिज नहीं कर सकते। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, और धरातल की बात कर रहा हूँ। मैं लाइव में घुसने से पहले 17 परिवारों से मैंने बात की कि महंगाई है, किस चीज पे इसका असर पड़ रहा है। मैं वो बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये साइड इफेक्ट्स तो आ रहे हैं, चाहे कोविड की वजह से हो, चाहे हमारी महंगाई की डेप्थ में जाए, फ्यूल प्राइस की वजह से, वो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके। मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। चले, कांग्रेस ने तो अपनी, विपक्ष की पार्टी है, अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन जनता का मुद्दा है ये। जनता के मुद्दे में अब जहां पे विपक्ष में आप लोग हैं, अगर आप लोग भी आंदोलन करते हैं तो मैं वहां भी देखता हूं, पब्लिक फेस नहीं होते हैं, आपकी पार्टी के नेता होते हैं, तो उसको क्यों पहचाना जा सकता है कि सबके दुपट्टे होते हैं। आम जनता का कोई सरोकार अब आंदोलनों से नहीं रहा, या तो राजनीतिक दलों के इस आंदोलनों से भरोसा टूट रहा है उनका, कि कोई फायदा नहीं है, जाने का समय खराब करना है, जो होना है वो होगा, और जो होगा प्रभु पे छोड़ रहे हैं। तो ये स्थिति अगर है तो ये भी खतरनाक स्थिति है। विपक्ष में कोई भी आ सकता है, आज भी आप भी राज्यों के अंदर विपक्ष में हो, जिन राज्यों में आपके धरने प्रदर्शन चलते हैं वहां पॉलिटिकल फेस के अलावा पब्लिक फेस नहीं होते हैं, तो ये एक लोकतंत्र में चिंता का विषय, आप लोगों को विचार करना चाहिए। लेकिन आपकी नजर में महंगाई अभी मुद्दा है? देखिए योगेंद्र जी, आज जून के महीने के अंदर महंगाई दर जो है 6.26 है, मई महीने के अंदर महंगाई दर थी 6.30, तो मई महीने से और जून के महीने में कंपैरिजन करें तो महंगाई दर कुछ कम हुई है। अगर आप पिछले सालों की तुलना करते हैं तो पिछले सालों में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब महंगाई दर 12.21 तक जा चुकी थी, 12.21, 10.53, 9.50, 9.40। आठ साल में सर्वाधिक, गर्ग साहब आप आंकड़ों के साथ में कह रहे हैं और आपके पास में होंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपके जो योग्यता उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन 8 साल में सर्वाधिक महंगाई दर है, 8 साल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये नहीं कह सकते कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, सर 7 साल का वक्त मिला, यहाँ तो कोई मैनेज करना चाहिए। हम कांग्रेस से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? जनता ने वोट ये कहकर तो नहीं दिया होगा। योगेंद्र जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि RBI ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर 5.20 का एक पैमाना निर्धारित किया है कि भाई 5.20 महंगाई दर रहनी चाहिए 21-22 के अंदर, उससे थोड़ी सी बढ़ी है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी जो ऑयल प्राइसेज बढ़ी है, ऑयल प्राइसेज और दालों की जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। ऑयल प्राइसेज के अंदर ऑयल भी सर, खाद्य तेलों पे भी, खाद्य तेलों में भी, खाद्य तेलों की तो बात कर रहा हूं मैं, खाद्य तेलों की जो प्राइस बढ़ी है इंपोर्ट की वजह से, तो वो चीज पे कंपूट लगाया जा रहा है। दाल मिल, दालों के ऊपर जो एक स्टॉक, जो स्टॉक लिमिट है, उस स्टॉक लिमिट को भी कम किया जा रहा है। तो जैसे जैसे स्टॉक लिमिट कम होगी वैसे वैसे इसके प्राइसेस कम होगी। आज मैं राजस्थान की बात करता हूं, इन्होंने ये आंदोलन कर रहे हैं कि भाई 7 जुलाई से 17 जुलाई तक आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई आंदोलन कर रहे हैं तो आज बिजली की जो 2.5 रुपए पर यूनिट परचेज कर रहे हैं उसको 12-13 रुपए में बेच रहे, तो उसको कम करने के लिए आंदोलन करो ना। आज इनकी पानी की दरें, जो 1,000 रुपए का पानी का बिल आता था वो 10,000 रुपए, 8,000 रुपए पानी का बिल आ रहा है, उसको कम करने का करना चाहिए। आज एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर 29 रुपए पर लीटर वेट है। आप देखिए 29 रुपए जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो आज जो 32.90 रुपए हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्साइज ले रही है उसमें राज्यों का भी कंट्रीब्यूशन है, अगर राज्यों का उसमें से कंट्रीब्यूशन मिला लेते हैं और वेट को मिला देते हैं तो आज स्टेट को ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टेट को अपना वेट कम कर रहे हैं, राजस्थान को राहत देनी चाहिए, बिजली में राहत देनी चाहिए, पानी में राहत देनी चाहिए। जनता के सामने जाइए, जनता को बताइए कि कहां पे आज राजस्थान के अंदर घोटाले कितने हो रहे हैं। आज मैं देख रहा था पेपर में कटिंग, पल्स ऑक्सीमीटर जो मार्केट में आता है उससे 1.5 गुना घोटाले पे मत जाइए, इन्होंने परचेज की है। ये ऑक्सीमीटर की प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीमीटर की प्रॉब्लम नहीं है, इस पे मैं अलग बात करूंगा सर। मैं भी जनता से जुड़े मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आम जनता को घोटाला से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पक चुकी है जनता। जहां अगर आप देंगे तो वहीं पे गंगा स्नान होता दिखाई देता है। ये मैं घोटालों पे नहीं जाना चाहूंगा, घोटालों पे खेलेंगे तो बहुत लंबा समय, 5 साल का भी कम लग जाता है इसमें। घोटालों की तो फेरिस्त बहुत लंबी है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मुझे चिंता एक आम आदमी की महंगाई की है, मैं सिर्फ आज उसी पे फोकस करना चाहूंगा। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा, ये बड़ी विडंबना है कि जनता इसी वजह से मुद्दों से जुड़ती नहीं है, राजनीतिक दल खुद तय नहीं कर पाते हैं कि आंदोलन की रूपरेखा कैसी होगी। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस कर रही होगी, लेकिन जहां भाजपा भी अगर आंदोलन करती है तो वहां भी जनता के चेहरे नहीं होते हैं, इनके अपने चेहरे होते हैं। तो ये
इन लोगों को सोचना चाहिए कि पहले तो जनता इस बात का भरोसा करे कि हाँ हमारे पक्ष में आंदोलन हो रहा है, हमारी आवाज उठाई जा रही है। ये जनता का सरोकार टूट रहा है, इसी वजह से जनता देखती है कि कोई नहीं, जो है भुगतना है, जो लिखा है वो भुगतेंगे, कोई बात नहीं है, ये मान के चल रही है जनता। सर क्या माने, जनता जुड़ नहीं पा रही है। देखिए योगेंद्र जी, बहुत सीधी सी बात है, अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि पहले आंदोलन होते थे, सरकारें झुकती थी, करती थी। आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस की को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑयल कंपनीज कर रही हैं। पहले सरकार के हाथ में था, इसलिए सरकार चिंता करती थी कि एक रुपए भी बढ़ाती थी, दो रुपए बढ़ाती थी और हल्ला मचता था तो उसको कम करती थी। आज सरकार के हाथ में है ही नहीं, केंद्र सरकार के वो उसको कम कर सकेंगे, ये अपनी एक्साइज ड्यूटी। ये बात उठाते हैं गोयल साहब, ये बात उठती है, लेकिन जब आम आदमी से पूछा जाता है, एक सवाल खड़ा करती है, वो ये कहती है कि लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो वो कंट्रोल कैसे हो जाता है चुनाव के दौरान? वोट की चिंता होती है ना, वोट की चिंता होती है ना सब। तो ये तो जैसा ये कह रहे हैं महंगाई दर, सर कहने को डिकंट्रोल है, बाकी तो कंट्रोल ताज भी है उन्हीं के पास में। नहीं वो भले ही ऊपर वो उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं आता ये सब चीज, वो तो कहेंगे हमने तेल कंपनियों को दिया, उन्होंने कहा हमें तो एक्साइज मिल रहा है और वैट मिल रहा है, जैसा अभी इन्होंने कहा। ये कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी, दो रुपए अपने यहाँ दूध पे बढ़ गए, राजस्थान में सब जगह दूध पे बढ़ गए, गैस के ऊपर सारे पैसे बढ़ गए। कौन सी चीज ऐसी है जो ट्रांसपोर्टेशन में सब्जी पे या तेल पे या उस पे ना बढ़े हों पिछले एक महीने में? कम से कम हर परिवार के ऊपर महीने का 500 से 1000 रुपए का खर्चा आया है, 840 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया है। पहले सब्सिडी मिलती थी आपको 100-150-200 रुपए, अब जीरो है। ये तो उसका जिक्र कर रहे हैं, ये गोयल साहब उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो जरूरत एक आम आदमी को पड़ती है, गरीब भी हो सकता है पैसे वाला भी, बात किचन की कर रहे हैं ये। अच्छा, तो ये उस बात की बात कर रहे हैं जो गैस की जरूरत आपको है, दूध की थैली जो लेकर के आ रहे हो आप, उसका बिना कैसे मूवमेंट कैसे करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे? अच्छा सबसे बड़ी चीज मैं अभी पढ़ रहा था कि डेल्टा वेरियंट जो आया है उससे क्रूड ऑयल प्राइसेस और घटे हैं आज की तारीख में। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस कुछ बहुत कम है, 71.81 था 16 तारीख को अभी पिछले महीने। तो आप वैट पे आप घटाना नहीं चाहते, एक्साइज पे आप घटाना नहीं चाहते, किसी पे कुछ करना नहीं चाहते, केंद्र कुछ करेगा नहीं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो सुओ मोटो केसेस कोर्ट लाती है, जैसे यात्राओं पे लाती है या दूसरी चीजों पे लाती है, वैक्सीनेशन, ऐसे ही सुओ मोटो केस जो है कोर्ट को लाना चाहिए और ये बताना पूछना चाहिए सरकार से कि ये पैसे क्यों बढ़ाए चले जा रहे हो, 40-40 पैसे करके, 20-20, 10-15 पैसे करके इसको बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। जैसा आप बार बार ये कह रहे हैं कि जनता को तो भुगतना है, यस ये तो टॉलरेट इट, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। अरे इन्होंने क्या गोली दी कि साहब हमने आपका जो है डीए बढ़ा दिया, बहुत खूब है भैया, डीए बढ़ गया, सब खुश हो गए, हाँ ठीक है महंगाई के बदले डीए बढ़ गया। उन्होंने जो है एचआरए बढ़ा दिया कुछ परसेंटेज सेंट्रल एम्प्लॉयज का, आपने भी बढ़वा दिया राज्य में, क्या हुआ उससे? उसको क्या इक्वेट कर रहे हो आप, मतलब गोली दे रहे हो आप? देखो हमने तो आपका डीए बढ़ा दिया जो नहीं मिल रहा था, और मिला कितना देते तो हुई नहीं, राजस्थान ने 1 जुलाई से किया, केंद्र ने पिछले साल से किया, और देते हो नहीं, सारा पीएफ में जाता है, पीएफ का फिर सारा इंटरेस्ट आप ही के पास आ रहा है, हमारे पास तो आ नहीं रहा। ये सब सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपके, आप जिसको लेके आए हैं जन टीवी लेके आया है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। यूएस में भी अभी कल परसों में पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, वहां भी पढ़ा, पर इतना नहीं है, कंट्रोल्ड है, घोषित है, बताया जा रहा है पहले कि हाँ ये इतना इस वजह से बढ़ रहा है, यहाँ तो किसी की जवाबदारी नहीं। आप चाहे जितने आंदोलन कर लीजिए, चाहे जितने परेशानी मोल ले लीजिए, चाहे जितने ट्रक वाले भी खड़े हो जाते हैं हम ट्रक नहीं चलाएंगे, ऑयल वाले भी खड़े हो जाते हैं, दाल वाले कंपनी भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सारी खड़ी हो जाती है, पहिया तो रुक गया ना, पहिया तो कम हो गया ना। बिल्कुल आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आप लोग एक एक मिनट में अपनी बात कहिए, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए जन मानस की बात है, जनता का मुद्दा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जनता जुड़ इस वजह से नहीं पा रही है। अभी जैसे गोयल साहब ने कहा कि राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो क्लियरिटी नहीं होती है उनकी, खासकर पब्लिक इश्यूज को लेकर के, वो क्यों नहीं होती है कि जब हम बाहर होते हैं तो आंदोलन होता है, हम जनता का चेहरा बनते हैं, उसके आंसू पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही सत्ता की कुर्सी में बैठते हैं तो हम डायलॉग करना शुरू कर देते हैं कि ये मतलब जस्टिफाई करते हैं इस बात को लेकर के कि महंगाई बढ़ना जरूरी क्यों है। तो इसी वजह से जनता देखती है कि अपने हाल पे रहना ज्यादा ठीक है, मरना है तो मरना है, जिंदा रहना है तो जिंदा रहना है, इस वजह से जनता जुड़ती नहीं है, क्योंकि मुद्दा जनता का इसमें कोई डाउट नहीं है। महंगाई हर घर की कहानी है, आप लोग लेकर के आए हो इसको ऑल इंडिया स्तर पे, आप लोग इस पे अपना जो हेजिटेशन जो आप लोगों ने किया वो कर रहे हो, लेकिन जनता नहीं जुड़ने की वजह यह है कि दो कैरेक्टर्स पसंद नहीं है लोगों को,
योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो बात कर रहे हैं कि जनता का, मैंने कभी जनता का उमड़ा हुआ सलाब किसी इसी तरीके से नहीं देखा था। हमें याद है, हम मेरी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं, लेकिन मुझे याद है कि अगर किसी टीवी पे अगर ब्रेकिंग न्यूज चलती थी या किसी भी समाचार पत्र पे अगर कोई पेपर छपता था तो सरकार उसके प्रति सुबह अपने ब्यूरोक्रेट से जवाब मांगती थी। आज लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता के प्रति अगर जवाबदेही है, अगर जन टीवी के मुद्दे पे कितने चैनल्स पे आज कौन सा मुद्दा प्राथमिकता के साथ में हो रहा है, नहीं हो ट्विटर पे सबसे बड़ा कितने लंबे लगातार समय से फ्यूल प्राइसेस हाइक को लेके, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेके, इन्फ्लेशन को लेके तमाम इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन सरकारें लोकतांत्रिक हैं, वो राज का कानून चलाती है, कानून का राज खत्म हो गया। अगर कानून का राज हो तो जनता के प्रति जवाबदेही हो, लेकिन राज का कानून है, राज को क्या पसंद है। निश्चित रूप से गोयल साहब ने कहा कि ये डिकंट्रोलाइज है, लेकिन जब 28 फरवरी से लेकर 4 मई तक का समय होता है, 67 डेज, एक पैसा नहीं बढ़ता क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन उसके बाद में बढ़ता है। फिर मैं कहना चाहूंगा जो पीएसयूज हैं, चाहे बीपीसीएल हो, आईओसी हो, एचपीसीएल हो, इनका जो लाभांश है किसके पास में जाता है, कौन लेता है इसका लाभांश? पब्लिक सेक्टर की यूनिट केंद्र सरकार को अपना लाभांश देती है, इक्विटी देती है, और वो लेके और तमाम बातें करती है। आज पेट्रोल पंप से लेके पार्लियामेंट तक एक आदमी मुस्कुरा रहा था, आज उसका मुस्कुराता पोस्टर हट गया, वो कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी आपने वैक्सीन दी। क्यों नहीं मैं योगेंद्र यादव योगेंद्र जी को कहूं, जो उनका बच्चा जब पेट्रोल पंप के लिए जाता है, 5 लीटर पेट्रोल देता है, तो वो एक आदमी को वैक्सीन देता है, किस चीज का धन्यवाद? पेट्रोलियम मंत्री ये स्वीकारते हैं कि आज हमने आपको वैक्सीन दी इसे पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं इसे भाव बढ़ा रहे हैं, आज हमने ये किया इसे हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ये क्यों नहीं बढ़ाते कि एचएएल से छीन के और राफेल का सौदा रिलायंस को क्यों दिया? क्यों अनिल अंबानी को लेके गए, जो दिवालिया कंपनी हो चुकी थी, जिसका डिफेंस का कोई अनुभव नहीं, ना उसको कोई पत्रकार पूछे, वरना ईडी सीबीआई सब आ जाएंगे। समय कम है, एक मिनट के लिए मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। आशीष चौधरी जी ने कुछ आरोप लगाए, मैं उनपे सीधा आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान आप अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कहेंगे, महंगाई के मुद्दे पे जवाब दे दीजिए, अगर महंगाई पे जवाब दे सकते हो, आपने दुनिया के अंदर कच्चा तेल सबसे जीरो में चला गया, लगता था आपने पैसे बढ़ाए, आज किसान को 2000 रुपए का गोल रहते हो, लेकिन आपने किस प्रकार से इम्पोर्ट ड्यूटी पे लगाया है, ये देश किसान का बेटा आज पढ़ लिखा है, किसान का बेटा आज जानता है, संभालिए आपको जवाब दे देंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात करें, इनसे पूछिए आज राजस्थान में सबसे ज्यादा भेंट है, उसमें जवाब दीजिए ना। समय कम है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं गोयल साहब को सवाल भी पूछना चाह रहे थे सर, सॉरी, समय कम है, मैं क्योंकि दूसरे मुद्दे पर जाऊंगा, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आप सभी लोगों को। देखिये, महंगा इश्यू है, और महंगा एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें हम कहें कि हर घर हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, आप लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, बेशक आप पार्टियों की वकालत करिए, लेकिन प्रभावित आप भी हैं, क्योंकि समाज से निकले पार्टी के आप अभिनेता नेता वो बाद में हैं, लेकिन आप एक आम जन पहले हैं, जिसको खाने के लिए दाल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए वो आपके भी कंज्यूम करते हैं आप, लेकिन हम मजबूरी है कि हम उस भाषा को प्रयोग करना पड़ता है, वकालत करनी पड़ती है। खैर, लेकिन ये जनता का मुद्दा है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे उसे राहत दे सकते हैं, बहुत परेशान है लोग, क्योंकि मैं एक्चुअल वो फैक्ट धरातलीय स्थिति आपको बता रहा हूं कि जिसमें लोगों के रियल में महंगाई ने आंसू ला दिए हैं, आप सब्र का बांध टूट जाता है कई बार, आप उनकी परीक्षा मत लीजिए, कोशिश करिए कि जनता का मुद्दा है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के प्रेशर में केंद्र सरकार झुके या जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है बीजेपी के प्रेशर में झुके, बिल्कुल नहीं, जनता की आवाज है, जनता की बात को आपकी समझने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, नमस्ते।